दोस्तों आईसीसी चैंपियनशिप ट्रॉफी को बुरी तरीके से हारने के बाद एक बार फिर से टीम इंडिया रोहित शर्मा की अगुवाई में टेस्ट सीरीज खेलने के लिए तैयार हो चुकी है और टेस्ट सीरीज खेलने वाली इस टीम का अनाउंसमेंट हो चुका है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस टीम से चेतेश्वर पुजारा को बाहर कर दिया गया है। दोस्तों हैरानी क्यों होगी ये हमें तब पता चलेगा जब हम विराट कोहली और चेतेश्वर पुजारा के परफॉर्मेंस का कंपैरिजन करेंगे। दोस्तों अगर हम बात करें 2018 से अब तक चेतेश्वर पुजारा के परफॉर्मेंस की तो 2018 से अभी तक चेतेश्वर पुजारा ने 39 मैच खेले हुए हैं जहां पर उन्होंने 35 के औसत से 2290 रन बनाए हैं और इसमें उनके 4 शानदार शतक भी शामिल हैं। साथ ही साथ दोस्तों अगर हम विराट कोहली की बात करें तो 2018 से अभी तक विराट कोहली ने 36 मैच खेले हैं और यहां पर उन्होंने 35 के औसत से 2148 रन बनाए हैं। साथ ही साथ विराट कोहली ने भी यहां पर 4 शानदार शतक लगाए हैं। तो दोस्तों अगर हम दोनों का कंपैरिजन करें तो दोनों का प्रदर्शन बेहतर रहा है। लेकिन दोस्तों यहां पर विराट कोहली को टीम के अंदर जगह मिली है लेकिन चेतेश्वर पुजारा को बाहर जाना पड़ा है। साथ ही साथ दोस्तों चलिए हम बात कर लेते हैं कि वेस्ट इंडीज के खिलाफ होने वाली इस सीरीज में किस किस प्लेयर्स को मौका मिला हुआ है। दोस्तों वेस्ट इंडीज वर्सेज इंडिया ये टेस्ट सीरीज होने वाली है और इसमें रोहित शर्मा की अगुवाई में खेलने वाले प्लेयर्स हैं शुभमन गिल, ऋतुराज गायकवाड़, विराट कोहली, अजिंक्य रहाणे, केएस भरत, ईशान किशन, रविचंद्र अश्विन, रविंद्र जडेजा, शार्दुल ठाकुर, अक्षर पटेल, मोहम्मद शमी और साथ ही साथ आईपीएल में अपनी धमाकेदार बल्लेबाजी से अपनी छाप छोड़ने वाले यशस्वी जायसवाल को भी इस टेस्ट सीरीज में शामिल किया गया है। दोस्तों ये टेस्ट सीरीज तो होने वाली है धमाकेदार, लेकिन इसके साथ एक सवाल रह जाता है कि क्या इस टेस्ट सीरीज के बाद रोहित शर्मा टेस्ट मैचों में अपनी कप्तानी जारी रखेंगे या फिर रोहित शर्मा की जगह किसी नए विकल्प की तलाश की जाएगी। इस बारे में आपकी क्या राय है दोस्तों मुझे कमेंट करके जरूर बताएं।